हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैशू बेसिल पेस्टो। बहुत इजी एंड बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है एंड आज हम इसका डिप बनाएंगे, बट इसके बहुत सारे रेसिपीज बन सकते हैं, वो मैं आगे डालती रहूँगी। वेलकम टू साइलीज किचन एट। ऐसे ही और रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, तो आपको हमारे सारे रेसिपीज मिलते रहेंगे। तो मैं वैसे बहुत अलग अलग नट्स यूज़ करते हैं, जैसे कैश्यू नट्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, या फिर कोई इसमें पिस्ताशियो भी डालता है, वॉलनट्स भी डालता है। आज हम कैश्यूज से बनाएंगे और फ्रेश बेसिल मैंने यहाँ पे डाल दिया। 1/4 कप से थोड़ा कम हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे एंड 1/2 कप पार्मेजान चीज़, ये ग्रेटेड पार्मेजान मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। हल्का सा सॉल्ट, चीज़ में भी आपको सॉल्ट मिलेगा। इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी हम डालेंगे। इन सबको हम पर्ल्स पे चर्न करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ये है कि इसे हम कंटिन्यूसली नहीं चला सकते हैं, बिकॉज बेसिल बहुत जल्दी काला हो जाता है एंड मिक्सर अगर फुल स्पीड में आप कंटिन्यूस चलाओगे तो बेसिल बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। इसमें मैं 2-3 आइस क्यूब्स भी ऐड कर रही हूँ ताकि टेम्परेचर काफ़ी लो रहे ग्राइंड करते हुए। इसे ग्राइंड करते हुए आप पल्स पे ही ग्राइंड करना, बहुत देर तक लगातार नहीं चलाना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर मुझे एक स्पाइसी केक अच्छा लगता है इस रेसिपी में, इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ओरिजिनल रेसिपी में ये नहीं पड़ता है। ये देखो, हमें इसका ये कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखो ये कितना क्रीमी और ब्यूटिफुल दिखता है। इसे हम बहुत सारे अलग रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे पेस्टो पास्ता, स्पेगेटी पेस्टो पास्ता, पेस्टो सैंडविच, तो वो सारे रेसिपीज़ मैं आगे डालती रहूँगी। आज हम डिप बनाएंगे। डिप बनाने के लिए हम पेस्टो एक बाउल में सर्व करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, चिली फ्लेक्स एंड पार्मेजान चीज़ उसके ऊपर टॉप कर देंगे। बेसिल के ही छोटे लीव से हम इसे गार्निश करेंगे एंड इसे आप सर्व कर सकते हो नैचोस के साथ, या फिर मैं तो इसे खाकरे के साथ भी खाती हूँ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको इसके साथ बने हुए क्या क्या वैरायटीज देखनी है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।